हमारा ले रहे हैं इंटरव्यू, तो मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहती हूँ कि भैया पहले भैया के सपोर्ट करो, उसके बाद हम लोग को भी सपोर्ट करो। हमारे ससुर जी के बागा बगीचा, हमारे ससुर जी के बागा बगीचा, हमार मरे जी ने बुला तोड़ न दे भाई, हमार मरे जी ने बुला तोड़ न दे भाई। जाड़ा की मऊज रजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया, जाड़ा के मऊज रजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया, सतिया के से गई राम बुढ़ाई बेरिया, बिपतिया के से गई राम बुढ़ाई बेरिया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मेरी मौजूदगी है खुटहन क्षेत्र के डिहिया गांव में, और आपको बता दें कि जौनपुर में लगातार गांव की जो पारंपरिक गीत है वो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। और आपको बता दें दोस्तों, लगातार हमारे चैनल के जरिए आप गांव के उन कलाकारों को देखते हैं जो कि YouTube के जरिए लोगों के अपने देसी अंदाज में गाने को सुनाते हैं। ऐसे में मैं अगर खास बातचीत करने की कोशिश करूँ तो इस वक्त मेरे साथ दो हमारे खास मेहमान और अम्मा जी हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में बैठी हुई हैं। आज हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और ये हमारे बगल में बड़ी भाभी जी हैं, ये छोटी भाभी जी हैं, और ये अम्मा जी हैं। और अब हम लोग शुरुआत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे इनके चैनल का नाम क्या है और अपनी जो एक पकड़ है वो सोशल मीडिया पर किस तरह से बनाई हुई हैं। तो भाभी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया रेणु शुक्ला है, हमारे चैनल का नाम जय माँ गीत संगीत है। भाभी ये बतावा कि कितने लड़के हैं आपके? भैया तीन लड़कियां हैं। अच्छा, तीन लड़कियां। लड़की की शादी कर चुकी है और दूसरी लड़की मौजूद बाटे तुम्हारे सामने, और लड़के की शादी बना के है, शादी करे ला वो हो गया। अच्छा भाभी ये बतावा, जब यूट्यूब पे आऊ है तो भैया के कितना दबाव रहा, मतलब का कहना, आजादी दे देन यूट्यूब पे काम करे? भैया तोरे एकदम बिल्कुल आजादी दे देन, मैं बिल्कुल आजादी दे देन, उन्हीं की आजादी से और अपने परिवार का आजादी से, अपने लड़कियन का आजादी से, तभी हम मतलब पर आ सके है। तो आज हमारे दर्शकों का स्वागत कैसे करेंगी आप, किस गाने से? एक आध स्वागत कर दीजिए, आपकी तबीयत खराब है, हम ज्यादा परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ, गाड़ी छुटकी भाभी ज्यादा परेशान किया है। गाड़ी गाना से हम लोग उनका स्वागत करेंगे। जौनपुर के देखिए भैया गाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, मैं भाभी जी तो सुनावा फिर गाड़ी, क्या बात है। खिचड़ी तू खाइला, खिचड़ी तू खाइला, खिसियन पोरी के जाकार से हट जा हमरे दुआर से, जाकार से हट जा हमरे दुआर से, जाकार से घड़िया तू लिहला, घड़िया तू लिहला, हथवा पसार के जाकार से हट जा हमरे दुआर से, जाकार से हट जा हमरे दुआर से, जाकार से। क्या बात है, आपको बता दें कि ये गाना उस समय का है जब दुल्हा खिचड़ी खाता है। हाँ भैया, हाँ, हाँ। दुल्हा खिचड़ी खाता है, जब माड़ों में ऋषि आता है बैठ के, तो महिलाएं गाना गाकर खुश कर देती हैं। हाँ। और हम छोटकी भाभी की तरफ प्रस्थान करब, बहुत बहुत स्वागत बापी जी। धन्यवाद भैया, और हमारे चैनल का नाम लोकगीत पूनम शुक्ला है, और मेरा दूसरा भी चैनल है पूनम शुक्ला करके, और मेरे जो बड़ा चैनल है उसमें 25,000 और कुछ सब्सक्राइबर हुए हैं। कब शुरुआत हुई आपकी यूट्यूब की जर्नी, कब शुरुआत हुई, कैसे आपको लगा? कल एक साल हो गया हमारे चैनल को स्टार्ट किए। हाँ, एक साल में 25,000 सब्सक्राइबर। हाँ, कल एक साल हो गया है। और बस हमारी जेठानी एक है वीना शुक्ला भजन करके, तो मुंबई में रहती है, तो उन्होंने स्टार्ट किया, तो उन्होंने ही कहा कि आप लोग भी करो, घर पे बैठे बैठे क्या करते हो, फ्री होने पे कर सकते हो, तो हमने स्टार्ट कर दिया, और बस यही, और पूरा परिवार का सपोर्ट मिला, बस आज हम लोग यहाँ हैं आप सब। वह कौन सा गाना था आपके यूट्यूब चैनल पर जो कि बहुत अच्छा खासा चला था, मिलियन में गया था? जी, वो बन्ना दुबे जी के साथ मेरा गाना था। क्या बात है, वो कौन सा गाना था?
घड़िया लगाई घड़िया गलिया घूमई न दे बई, लगाई घड़िया गलिया घूमई न दे बई, हमरे ससुर जी के बाग बगैचा, हमरे ससुर जी के बाग बगैचा, हमार मर जी ने बुला तोड़ई न दे बई, हमार मर जी ने बुला तोड़ई न दे बई, लगाई घड़िया गलिया घूमई न दे बई। क्या बात है पूनम भाभी, भैया क्या करते हैं, आपके पति जी क्या करते हैं? जी वो मुंबई में समय वो भी जॉब कर रहे हैं, मुंबई में है समय। तो वो आपके ऊपर कभी प्रेशर नहीं बनाए कि आप यूट्यूब पर आ गए? तो बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत साथ देते हैं मेरा। जैसे मुझे वाईटी के बारे में ज्यादा पता नहीं था, यूट्यूब के बारे में, तो सब सेटिंग मतलब कैसे वीडियो डाला जाता है, मतलब हर चीज उन्होंने मुझे सिखाया। अभी भी वो काम मेरा हैंडल करते हैं, ऐसा नहीं है, वो उनके फोन में भी मेरी आईडी है, बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, उन्होंने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि अगर यूट्यूब पे आना है तो ये सोच के आना है कि कोई कुछ भी कहेगा वो चीज नोटिस मत करना, तभी आगे जा सकती हो। जी 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 बिल्कुल। तो कितने ताने सुनने पड़े अम्मा, का हो अम्मा तू बतावा, गाँव के आरी बगल में कितने लोग आपको ताना मारते हैं, पतो तहारी यूट्यूब पे गाना गावत है? आपको बता दे दोस्तों, ये फ्रेम में देख सकते हैं अम्मा जी हैं और ये पतोह जी हैं। और आपको बता देना कि आजकल गांव की एक प्रचलन बहुत तेजी से चल रहा है कि सास बहू में बैठता बहुत कम है, और एक सास ये भी हैं, इनसे आपको सीखना चाहिए कि ये अपने बहू से यूट्यूब पर वीडियोस बनवाती हैं और उस वीडियोस से बहुत सारे लोग देखते हैं और इनके घर में कुछ पैसे की इनकम होती है। हालांकि बहुत सारे लोग पैसे की वजह से यूट्यूब पे नहीं आते हैं, उनके अंदर एक जोश जज्बा और जज्बात होता है कि हम यूट्यूब पर कुछ करें और अपने हुनर को वो यूट्यूब पर दिखाते हैं ना भाभी, सही है कि नहीं? हाँ एकदम सही, एकदम सही। और मम्मी बहुत साथ देती हैं मेरा, मतलब इन लोगों से ही मैंने गाना सीखा। मैं गुजरात की रहने वाली हूँ, मुझे गाना पहले कुछ नहीं आता था। आपका घर गुजरात है? मैं का है गुजरात का, तो मुझे कुछ नहीं आता, तो बस इन सब से ही मैं गाना आज गाने सीखी हूँ, यहाँ तक हूँ, तो इन सब के बदौलत हूँ। अच्छा ये बताइए कि गुजरात में आप रहती थी, माइका मतलब गुजरात की ही मूल निवासी है कि? वही मेरा जन्म स्थल, पढ़ाई लिखाई हर चीज वहीं पर हुआ है। तब इतना अच्छा कैसे आप गाँव वाली भाषा बोल लेती है? बस अब बोलने लगे, अभी यहाँ भी आए, मुझे 13-14 साल हो गए। कैसा लागत है यहाँ? अच्छा लागत है। जी, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूनम शुक्ला जी हैं और ये रेनू भाभी जी हैं। लगातार ये लोग अपनी गीत संगीत से सुर्खियों में बनी हुई हैं और हम लोग एकाध गाने सुनने की कोशिश करेंगे उसी अंदाज में। जरा आप हमारे दर्शकों को एकाध गाने और सुनाइए जो आपके दिल के बेहद करीब हो और बहुत ज्यादा। हम लोगों ने जल्दी यह गाना गाया था, वो भी हमारा बहुत पसंद किया गया, वायरल हुआ है। ई जलसा बड़ा निकला गई दुआरे पे, ई जलसा बड़ा निकला गई दुआरे पे, ससुरू के आना गहुआ निकला गए, ससुरू के आना बड़ा निकला गए, ई हथिया झूमते आवई दुआरे पे, ई हथिया झूमते आवई दुआरे पे, ई जलसा बड़ा निकला गई दुआरे पे, ई जलसा बड़ा निकला गई दुआरे पे। क्या बात है, आपको बता दें कि भाभी जी के पास छोटी भाभी फोन की, इनका तबीयत खराब था, लेकिन इस प्रकार दोस्तों इंटरव्यू दे रही हैं कि लग नहीं रहा कि आपकी तबीयत खराब है। सब सब भगवान की मर्जी है, आप लोग जैसा कर रहे हैं बता रहे हैं वही कर रही हूँ, क्या करूँ भैया अभी। हाँ आपको बता दे दोस्तों कि पीजी न्यूज पर आने के बाद लोगों के अंदर ना एक, मैं अगर बताऊं तो एनर्जी आ जाती है। देखिए भाभी की तबीयत खराब है लेकिन इस समय प्रसन्न है, अब शाम तक ये ठीक भी हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम लोग थोड़ा से और बातचीत के सिलसिला जारी रखब, कहें से कि वीडियो थोड़ा बड़ा होत बा। अच्छा पूनम भाभी आप बताइए कि जब आप YouTube को शुरुआत की थी तो कैसे कैसे मैनेज की थी और कितने दिन में चैनल मोनेटाइज हो गया था? आज तमाम यूपी बिहार झारखंड की बहनें YouTube पर आ रही हैं लेकिन वो बहुत परेशान हैं YouTube को लेके, उनका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, वायरल नहीं हो पाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
जी बस मैं उनसे यही करूँ कहूँ कहना चाहती हूँ कि हिम्मत रखे, क्योंकि इसमें टाइम तो लगता है, किसी किसी का जल्दी हो जाता है और किसी किसी का टाइम लगता है, तो बस अपना हिम्मत न खो, धैर्य रखे आगे। हमने भी स्टार्ट किया था तो हमारा भी तब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, हम भी बहुत परेशान हुए थे, पर आज हमने हिम्मत नहीं आ रही। अब एक साल में देखिए हमारा 25,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हैं, दो दो चैनल हम हैंडल कर रहे हैं और उसमें एक महीने के अंदर मोनेटाइज होकर मेरा दूसरा चैनल गूगल पिन भी आ गया है और 1900 से ज़्यादा भी मेरे उसमें सपोर्टर हैं, उसमें भी 2,00,000 के लगभग 1900 से जो मेरे सब्सक्राइबर दूसरे चैनल पे 2,00,000 के लगभग उसमें भी व्यू गए हैं। क्या बात है, आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक YouTube चैनल से नहीं अब दो दो YouTube चैनल से पैसा आएगा पूनम भाभी को। अच्छा भाभी जी ये बताओ कि गांव में बहुत सारे गाने होते हैं, लाचारी होती है, विवाह गीत होते हैं, परछन गीत होता है, कुछ इस प्रकार के आप दर्शकों को थोड़ा पुरानी गीत रखिए जो कि मार्केट से विलुप्त तो हो रही है, आजकल लोग भूलते जा रहे। अभी हमने एक ठंडी का गीत गाया था ठंडी के लिए, दो तीन दिन हुए वो भी हमारा अच्छा वायरल हुआ है, सब ने बहुत पसंद किया है। जाड़ा की मौज रजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया, जाड़ा के मौज रजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया, सोने के थाली में जेवना बनाओ से, सोने के थाली में जेवना परोसे, जेवई देवर जेवई देवर भौजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया, जाड़ा के मौज रजैया नऊजे घरे आवई कन्हैया। क्या बात है, तो आप देख सकते हैं, आई होप आप चाहे जहां से बैठ के इस वीडियो को देख रहे होंगे आप लोगों को आनंद बहुत आ रहा होगा। हमारे चैनल पर बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं लेकिन ये जो इंटरव्यू है दोस्तों आप लोगों को एक खास तरीके से और एक खास आवाज़ में देखने को मिल रहा है। एकाध सवाल और हम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे, बहुत सारे दर्शक आपको यूपी बिहार झारखंड तमाम जगह से लोग आपको देख रहे हैं और पीजी न्यूज को भी बहुत सारा प्यार आशीर्वाद लोग देते हैं। हमारे सारे दर्शकों में आप सबके सपोर्ट से भी इमेज, और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं पीजी न्यूज वाले भैया को देना चाहूंगी कि ये लोग चाहे सर्दी हो या गर्मी बारिश कुछ भी हो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह की न्यूज तक पहुंचाते हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है कि हमको भी आप तक पहुंचा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इनका भी सपोर्ट कीजिए ताकि और हम सबको आगे ले जाए। धन्यवाद भाभी जी आपका। रेणु भाभी का काम, अरे भैया हम ये कहबे कि जैसे भगवान भैया का आगे बढ़ावा करे पीछे हम उसे एक लगाए रहा। ये रेणु भाभी जी, अपने चैनल का नाम एक बार फिर लीजिए, जय माँ गीत संगीत भैया, जय माँ गीत संगीत, एक बार आप जाएं और रेणु भाभी का, पूनम भाभी का आप गाने वहाँ पे भी सुनिए। और ये अम्मा जी हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं अपने दोनों बहुओं की, तो अम्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, हम चाहेंगे अम्मा जी को जरा हाईलाइट करके लीजिए। और ये अम्मा जी हैं, देख लीजिए मुस्कुरा रहे हैं, और ये अम्मा जी का ही योगदान है कि आज ये लोग यूट्यूब पर एक बड़ी मुकाम हासिल की। हमारे साथ बहुत साथ देते हैं, बहुत गाना गाती हैं, बहुत गाना भी बताती हैं बीच बीच में कि पुराना गाना है गाओ इसे, जी बहुत साथ देते हैं। अम्मा जी से गाना गावा लें क्या? अम्मा जी आप भी एक आध गा दीजिए, क्या बात है अम्मा जी, बुढ़ाई बेरिया ये बिपतिया के से गाई राम बुढ़ाई बेरिया, ये बिपतिया के से गाई राम बुढ़ाई बेरिया, आई पतोहिया भाई घर मालकिन सब पर हुकुम चलावे हो, सब पर हुकुम चलावे, बूढ़ा से बर्तन मजवावे अपना मौज उड़ावे, उल्टा नाम धरे हर जाई राम बुढ़ाई बेरिया, उल्टा नाम धरे हर जाई बुढ़ाई बेरिया, बिपतिया के से गाई राम बुढ़ाई बेरिया। क्या बात है अम्मा जी, तो एकदम रिकॉर्ड कायम कर दी, और यही चीज़ हम निकलवाना चाह रहे थे जो कि अम्मा जी ने बहुत अच्छा रखा। और दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप
पूनम जी का चैनल और रेणु भाभी जी का चैनल आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इनके गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार आशीर्वाद दें। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।